दी इतनी तेज थी कि बस गेट भी ऐसे खुलने के लिए तैयार हो रहा था। तो गाइस तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई अगला दिन हमारा लग चुका है, यानी कि अगला व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है। 7 रोजे माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुके हैं और भाई आज 8वीं सहरी है हमारी। नेक्स्ट व्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है, यहाँ से बने रहिए हमारे साथ। अभी माशाल्लाह से घर में सब आए हुए हैं, खाने की तैयारी चल रही है। रात के खाने में क्या बनना फातिमा? कोरमा बन चुका है गाइस और बन रही है बिरयानी। रोटी वगैरह हमने सब मंगा ली है, खाना तो सब सहरी में ही खाएंगे। अभी तो 11 बजे तो गाइस होटल से रोटी आ चुकी है, होटल से रोटी आ चुकी है, बने रहिए हमारे साथ। व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। रियान की तबीयत आज माशाल्लाह से बहुत ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे और रियान को लेके, तो आज रियान बिल्कुल परफेक्ट है। बताओ जल्दी, ऐशा हूँ मैं। ऐशा आप ही, कोरमा कैसा हो रहा? बहुत उमदा नफीस हो रहा है। भाई बिरयानी हम बना रहे हैं फ्राई वाली, चिकन को फ्राई करके उसे धुआं लगाएंगे और फिर उसकी तह लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी टिक्का है, थोड़ी थोड़ी टिक्का है बस। और गाइस आपने इतने सारे कमेंट करे उसके लिए थैंक यू। गाइस देखिए मम्मी तल रही है यहाँ पे चिकन फ्राई। मम्मी बोटी आप उसमें डालोगी? बिरयानी में डाल देंगे। देखिए यहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं और बारिश हो रही है और मैं ना आपको अपने घर का एक सीन दिखाता हूँ। गाइस देखिए ये रिका का, ये रीना भी, मम्मी, पप्पू और डैडी, बेचारे सब इतने थक गए क्योंकि बहुत ही हालत खराब हो गई सबकी, सुबह से ही लगे हुए सब। ये कितने काम की बच्ची है, रात को देखो 2:30 बज रहे हैं और ये बच्ची है ना यहाँ पे बर्तन समेटती फिर रही है। पूरे घर की जिम्मेदारी इस बच्ची पे कहाँ रखोगी अब? हाँ यहाँ हाथ नहीं जा रहा वहाँ पे, यहाँ कैसे रात के 3 बज रहे और कैसे मस्ती छा रही इस बच्ची को। टिक्का बिरयानी बननी है शहरी में खाने के लिए। अन्नू बच्चा आ गया, अन्नू बच्चा, ओ अन्नू बच्चे, इसे नींद नहीं आती रातों को। बिल्ली देखो जरा, देखो जरा ये देखो हरकतें, हरकतें देखो। बिरयानी में दम लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप ये ना गरारे करिए क्योंकि सुबह ऑडिशन है इनका, सुबह इंडियन आइडल में जा रही। इंडियन आइडल में सुबह ऑडिशन है, आप ही यहाँ गरारे चल रहे हैं दबके। गर्म पानी से है, गर्म पानी ठंडा है? अच्छा गर्म पानी से कर रही हूँ गरारे। अच्छा क्या सुबह नात वगैरह सुनाओगी हमें? क्या चक्कर क्या चक्कर है रात को गरारे? अच्छा गला दुख गया, ओहो गाने गाए थे गाइस इन्होंने भी। फातिमा तो ऐसे देखने में बढ़िया लग रही है आज, मतलब आज हो रही है हमारे यहाँ पे ढंग से सहरी है ना, वरना हम कहाँ खाते कुछ भी नहीं खा पाते। अब जा रही है गाइस फाइनली दम लगने। कान में बात कर रही हो, जुए मार रही हो राय भाई की। कान में जहाँ कर रही है, नहीं बात कर लो बात, हेलो कह दो, हेलो कह दो कान में। हेलो ठीक है। तो गाइस शेरी का टाइम हो चुका है माशाल्लाह से और अभी यहाँ पे है ना शेरी की तैयारी चल रही है, तैयारी हो चुकी है, मतलब शेरी का सामान लगने जा रहा है दस्तरखान पे। अब नींद आ रही है आपकी पूरा जागने के बाद, अब नींद आ रही है इन टाइम पे बिल्कुल। पहले क्या निकाल लियो बिरयानी, नमाज पढ़ दी, ताजुद पढ़िए, माशाल्लाह मेरी तरह सुधर रही हो तुम भी है, आहिस्ता आहिस्ता। बाद में ये क्या है? ये दही बूंदी कम, दूध ब्रेड ज्यादा लग रहा है, मैं दूध ब्रेड ही समझ रहा था इसको। और गाइस 4 बजने जा रहे हैं सुबह के, माशाल्लाह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, पूरी रात हो गई है बारिश होते हुए। अभी अभी तुम गरारे कर रही थी, अब दांत साफ कर रही हो, तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं सुबह, क्या चक्कर है हमारे समझ में नहीं आ रहा। अभी गरारे कर रही थी थोड़ी देर पहले, अब दांत साफ कर रही है धागे से, सुबह आपके रिश्ते वाले आ रहे हैं पुरानी दिल्ली से। तो भाई 4:30 बज चुके हैं, शेरी का टाइम बस खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। शेरी कर ली आपने? भाई शेरी कर ली, सबको उम्मा कर दो सुबह सुबह का, उम्मा कर दो, उम्मा कर दो, नहीं गाल पे ऐसे करके काट लिया यार, काट लिया मेरे इतने जोर से। तो ठीक है शहरी का टाइम पूरा हो चुका है, चलिए आइए मिलके नियत कर देते हैं। वबी सोमिन गदी नवेतु मिन शहरी रमजान।
तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई अगला दिन यहाँ पे लग चुका है, यानी कि फ्राइडे का, और जुमे की नमाज हो चुकी है। और गाइस कल रात हमें इतना मजा आ रहा था, हमारी सारी फूफो आई हुई थी और आज वो चली गई तो घर पूरा सुना सुना हो गया। कल माशाल्लाह से इतनी रौनक थी घर के अंदर, वो सबके जाने से घर एकदम से सुना सुना सा हो गया। तो गाइस बने रही हमारे साथ, व्लॉग की स्टार्टिंग हमने कर दी है। तो गाइस देखिए हमारी हानी नहा ली है और उसने बहुत प्यारे से कपड़े भी पहन लिए। हानी के हेयर बैंड पे कैटी बनी है, छोटी सी कैटी। जाओगी अब खाने में इफ्तारी पे। गाइस हमारा बहुत सारा रखा हुआ भी है, छोले भी रखे हैं, चने की दाल भी रखी है। मगर घर में सन्नाटा हो गया फातिमा, है ना, सब चले गए और दिन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कल मजा आ रहा था माशाल्लाह से, सब आए हुए थे। तो चलिए भाई जाना तो होता ही है, लेकिन ये है कि हाँ आप ही संडे को आ जाए करेंगे हमारे साथ रोजा खोलने के लिए। और फिर से घट आ रही है। गाइस रात है ना, बारिश इतनी तेज थी, गेट देखो हमारा यहाँ तक सीट आई हुई गेट के ऊपर। अनु टाटा टाटा अनु, अभी आ रहे हम नमाज पढ़ गए ना, बीप पे नहीं जा रहे, बीप पे नहीं जा रहे, बीप के लिए बीप। चलो बाद में गेट बंद करो। गाइस दिल्ली का मौसम देखिए कितना प्यारा हो चुका है दोबारा से। ये कहे चलो मिस्टर बीन की तरह चल लो, चलो जल्दी से चलो। तो गाइस हम लोग नमाज से तो फारिग हो गए, मगर हमारे एरिया में ना पपीता नहीं मिल रहा। अभी हम सोच रहे हैं जोहान ऊपर से चाबी फेंक देगा, तो रैयान और मैं जाएंगे जाफरबाद। जोहान चाबी फेंक देना ऊपर जाके, ठीक है। हाँ अरे यार आज रैयान को मुझे जाने दो यार, ये बच्चा जाफरबाद का पता नहीं क्यों दीवाना, जबकि इसकी पैदाइश भी जाफरबाद की नहीं है। क्यों पसंद है, अगर किस वजह से पसंद है तुम्हें जाफराबाद? एक बार ना आपने मुझे जाफराबाद दिखा दिया होगा। हाँ। तो मुझे ना वो दुबई जैसा लगने लगा। ओ, कि हाँ, तो जाफराबाद ही दुबई जैसा लग रहा है, दुबई चला गया तो पता नहीं क्या करके छोड़ेगा यार ये बच्चा। अच्छा ये अपना टिकट तो अंदर करो, ये टी शर्ट में से टिकट नजर आ रहा है देखो। हाँ? ये इधर पीछे हो, ये देखो टिकट नजर आ रहा था, मैंने अंदर कर दिया। तो गाइस बच्चे तो गए ऊपर, हमारी जो बिल्ली है ना उसको लग रही चीज खाने की, तो अभी चल रहे उसके लिए चीज लेने के लिए पहले। तो गाइज हम हानिया बच्ची को है ना बाहर की चीज़ें देते नहीं है, मगर आज है ना वो बड़ी जिद कर रही है, बार बार चीज़ चीज़ बोल रही है। तो अभी उसके लिए ना केक और बिस्किट लिए हैं मैंने यहाँ पे। आई है बच्ची, बच्ची चीजी आ गई आपकी, ये आ गई चीजी, है मेरा बच्चा, लो ले लो जल्दी से। तो गाइज शाम के पौने से बच चुके हैं और भाई हमारे यहाँ चल रही है अभी फिर से अफ्तारी की तैयारी। माशाल्लाह से आज आठवां रोज़ा है फातिमा, है ना, ये सातवां है, आठवां रोज़ा है माशाल्लाह से। तो भाई क्या है आज अफ्तारी में, कुछ है स्पेशल या मतलब वही सब पुराना है? मतलब पुराना मतलब कैसा, पिछले साल का खिला रही हो क्या? कौन सा पुराना? कल का। अच्छा कल का। हाँ मतलब पकौड़ी वगैरह तो बना रही हूँ। अच्छा खाली छोले वही तो, छोले वगैरह बच गए होंगे कल, है ना। तो गाइस हमारे यहाँ पर है ना ये कल वाली दाल है और कल वाले छोले हैं, तो अभी इनको गर्म करके आज यूज में लेंगे, क्योंकि वेस्ट मतलब फेंकना नहीं चाहिए इन चीज़ों को, बच गई है तो आज खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सुनाओ क्या हाल चाल, कुछ नया मौसम देख रही हो फातिमा? हाँ। दोबारा से मतलब दो दिन से हो रहा, कल भी बारिश हो गई थी मगरिब के टाइम और अभी भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस दिल्ली में रोजे कुछ इस तरह से कट रहे हैं कि भाई सहरी होती है अंधेरे के अंदर, जोर की नमाज पढ़ो आप थोड़ी सी धूप के अंदर, असर की नमाज पढ़ो आप थोड़ी सी गुलाबी मौसम के साथ। हाँ। और मगरिब होते होते माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत बरसनी शुरू हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। तो अभी दो तीन दिन से तो गाइस ऐसे ही चल रहा है। आप शायर बन लो? जी नहीं, हम शायर नहीं बन रहे। शायर कहाँ से बनेंगे, हमारे घर वालों का अरमान था कि हम पढ़ लिख के लॉयर बने, मगर हमें ना बिना पढ़े लिखे शायर बन चुके हैं। सबको उम्मा करो, उम्मा ऐसे उम्मा उम्मा। तो गाइस चलते हैं अभी किचन के अंदर, देखते हैं क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि है ना 15 मिनट बचे हैं सिर्फ। फातिमा कितनी देर रहेगा भाई, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, हो गया तैयार मामला, सब तैयार है। एक है ना एक वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि ए भाई आपका है ना जन्मदिन आने वाला है, आपको क्या तोहफा चाहिए? तो वो कहता है नहीं नहीं रहने दो, कोई ऐसी बात नहीं है, तो घर की बात है। कहते ये नहीं नहीं आप बताओ ना मतलब क्या तोहफा चाहिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो वो कहता है बस मैं इतना चाहता हूँ कि मतलब तुम्हें ना मतलब मेरी इज्जत करो, मुझसे प्यार से बोलो। तो वो थोड़ी देर तक सोचती है, फिर यूँ कहती है नहीं नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगी, मुझे गिफ्ट बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो यार एक बात का मुझे जवाब दो, जिस आदमी को सुनाई ना दे उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोच के बताओ। नहीं पता, फातिमा तुम बताओ, जिस आदमी को सुनाई ना दे उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोचो तो सही। पता नहीं तो सोच गया। मैं बताऊं, उसे कुछ भी कहते जब उसे सुनाई दे ही नहीं रहा, फिर तुम कुछ भी कह सकते हो उसको। एक मस्जिद में है ना फातिमा ऐलान हो रहा होता है कि भाई हमें एक गुमशुदा बच्चा मिला है, जिनका बच्चा है आकर ले जाएं। तो ये सरदार जी बड़ी जल्दी से उछल के जाते हैं मस्जिद में और जाके कहते हैं मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है, जिनका बच्चा कैसा होता है। इसी मस्ती मजाक के साथ अपना रोजा चल ही रहा है माशाल्लाह से, टाइम निकल ही रहा है, पर थोड़ा सा वक्त रह गया। यहाँ पे पकौड़ियों की तैयारी चल रही है, पकौड़ियाँ बननी है आज आलू की और हल्के हल्के से प्याज की और
पालक की हल्के प्याज होता है ना, इसमें छिलका छिलका सा होता है, बस उस वाले प्याज की। मैं ना थक चुका हूँ, 3 दफा अपने गर्म कपड़े बेड में रख चुका हूँ और शाम को मौसम ठंडा होता है उनको फिर निकालता हूँ। मेरा समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कंबल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कंबल के साथ भी ऐसे हो रहा है। कंबल भी यूं कहेंगे भाई एक दफा डिसाइड कर लो कि हमें बेड में रखना है कि हमें बेड से निकालना है। गैस जलाई मैंने, ठुक 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 करी चली जा रही हूँ। बहुत बढ़िया, देखा है नहीं यार, बहुत ही सीधी बीवी मिल गई भाई हमें, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हो तुम फातिमा, एकदम इमरती की तरह। इमरती सीधी नहीं होती, बीवी भी सीधी नहीं होती फिर। इमरती अरे यार कैसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इधर विंडो में से। चलो भाई शाम हो जाएगी, लाइट जला देते हैं यहाँ पे। हाँ जी हाँ बोलिए। कॉल कर चुकी दो बार हानिया, कॉल कर चुकी, किसको कर चुकी, क्या हुआ, कोई नेपाल से भी है तुम्हारे यहाँ पे? आप ही क्या सुनाता रे। हाँ रात को ना लोहार इतनी जोर जोर से हाजिया हाजिया चिल्ला रहा था रात को सोते हुए, सुबह सोते हानिया हानिया को आवाज कौन लगा है, मैंने सोते हुए चिल्ला। अच्छा सोते हुए। और पता है शगुफ्ताबाजी की एक बात बताऊं गाइस आपको भी और फातिमा को भी, शगुफ्ताबाजी है ना, जब छोटी थी ना तो छोटेपन के अंदर सोते सोते उठ के सामने वाले घर में चले गए, उनसे जाके यूं करिए खाना दे दो। फिर वो आई यहाँ पे हमारी अम्मी हमारी वालदा के पास कि नहीं बाजी तुमने खाना नहीं दिया शगुफ्ता को, कह रही क्यों, कि नहीं खाना मांग रही थी आगे, मतलब रात नहीं हो रही थी ऐसी, शाम का सा टाइम था, कि नहीं खाना मांग रही आगे। तो भाई शगुफ्ता जी ये जोक तुम्हारे लिए, हाँ अब नहीं चलते, अब तो सोने को तैयार नहीं है बच्चे, नींद में तो उठ के बाद में चलेंगे। एक बार मैं सो हाँ उठ के हाँ सो के उठ के सोया हाँ, और पप्पो भी थी मेरे बराबर में, टीवी चलाया और पप्पो ने सोचा कि इसको नींद भी आ रही होगी हाँ, और टीवी चला के आगे सो गया, पप्पो भी चकल देख रही। हानिया कितनी सारी चीज गिराई आपने इस पे बिस्तर पे, कोई बात नहीं उठा लेना ये बच्ची शरारत नहीं करती है ना, ये तो बहुत प्यारी रानी है। हाँ आप किसने गिराया, किसने, भैया ने गिराया, देख जरा भैया पे रख दिया हाथ का उसने, ये भैया ने गिराया, भालू तो चला गया अपने घर, हाँ गिरिया आयर भी गया, क्या चीज, चलो लगा लो हाथ धो लेना फिर। हाँ तो गाइस अब है ना, हमने ना आप लोगों के कहने पे बर्फ बाहर की इस्तेमाल करनी बंद कर दी है, और बाहर की क्या बात, हमने तो घर की भी बंद कर दी। आजकल हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो उस दिन मजबूरी में मंगाई थी, तो आजकल हम क्या कर रहे हैं कि हमें ना एक बोतल पानी की फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, तो वो बर्फ़ तो नहीं बन पा रही, मगर ठंडा पानी हो जाता है वो, तो उसके साथ साथ वो हमारा शरबत भी बन जाता है। और वैसे ही बच्चों का मना है शरबत, खाली मैं और फातिमा ही पी रहे हैं, दोनों बच्चों को तो हम ठंडा कुछ दे भी नहीं रहे अभी। हमारे बाहर बारिश शुरू हो चुकी है और माशाल्लाह से रोजा भी खुल चुका है, आधी फटाफट से रोजा खोल लेते हैं। आ जाओ हाँ गंगली। अच्छा मुझे पता था बच्ची पीछे पीछे आएगी जरूर, ये लो। ओ फोम आके पल्लू से मुंह साफ करके निकल रहे, वजू का पानी बेटा पोछते नहीं है, वजू करके पोछते, चलो आ जाओ। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, शायद जमात खड़ी हो गई हो, रैयान ने टाइम लगा दिया वजू करने में, जल्दी भागो जल्दी, चलो जल्दी 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 जल्दी।
कान हम जीने से जा रहे हैं, आप इससे रस्सी चलो ऊपर, ये लटकी हुई है ना, इसको पकड़ के इस ऊपर पहुँच जाओ जल्दी से, हमसे पहले पहुँच जाओगे आप। तो जी गाइस आ गए हम लोग माशाल्लाह से मगरिब की नमाज़ पढ़ गए। हे भाई वालेकुम सलाम। बारिश शुरू हुई थी रोजे से पहले, दो चार बूंदें पड़ी, एकदम से रुक भी गई। क्या क्या देख रही हो, क्या दिख गया? तारे जमीन पे होते हैं, तारे आसमान पे। तो गाइस डैडी ने बढ़ाया यहाँ पे, काम बढ़ा ही दिया डैडी आपने। मैंने नहीं बढ़ाया, फारपा ने पता नहीं कैसे शरबत दिया मुझे, उठाते मेरे हाथ से फिसल गया। हाँ उठाते ही हाथ से फिसल गया। लो वो तो गाइस यहाँ पे हमारी आलू की पकौड़ियाँ है ना, शरबत में डूब चुकी है बढ़िया करके, रूबजा के अंदर। अभी कैसा मजा आएगा इनको खा के, फारपा जरा खा के बताओ। ये हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो पात्मा का, रूबजा में डूबी हुई पकौड़ी, जल्दी से जल्दी से। बाबू हम तो मजाक कर, ये बच्चा पहले रोने लग जाता है। तो ठीक है गाइस, बंद करते हैं इस वाले व्लॉग को यहीं पर ही, इस उम्मीद से कि शायद आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। आज भाई आपका भाई जो है ना बहुत लेट हो गया व्लॉग डालने में, असल में मैं ईशा की नमाज से पहले कहीं चला गया था और मैं वहाँ पे जाके कुछ उलझ गया अपने काम के अंदर, जिसकी वजह से आज मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया। खैर आगे से ये गलती नहीं होने की, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग के अंदर कुछ नया लेके। अभी दीजिए अपने भाई को इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त, दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करो। अनु ता ता करती है बच्चे, अल्लाह हाफिज़ नहीं करती।